ऐसे ही विज्ञान भवन में पहला नेशनल अवार्ड मिला था तो चार हज़ार रुपये कैश प्राइज़ लिखा गया था तो हम बम्बई से आ गए लेने के लिए तो स्टेज पे थे बहुत बड़ा स्टेज है विज्ञान भवन आपने देखा हो तो उन्होंने पहले तो राष्ट्रपति जी ने वो दिया पहनाया वो सब हम नज़र मेरी पैसों पे थी <laughs> तो जब मुझे लिफाफा दिया गया तो मैंने देखा कि लिफाफा बहुत पतला है तो मैंने यार चार हजार रुपये <laughs> तो मैंने स्टेज पे ही खोल लिया खोला तो निकालता हूं अंदर लिखा हुआ है पोस्टल ऑर्डर कैशेबल आफ्टर सेवन ईयर्स तो अब मैं ऐसा देख रहा हूं यार <laughs> ये क्या <laughs> अब देख रहा हूं तो मैंने फिर अडवाणी जी से कहा कि सर ये पोस्टल ऑर्डर है तो चार हजार रुपये कैश था तो कहते ये कैश ही है आपको सात पाँच साल के बाद जितने साल के बाद कुछ आठ नौ हजार रुपये मिल जाएंगे ठीक मैंने कहा नहीं सर मुझे तो कैश चाहिए था चार हजार रुपये ऐसा हुआ था भले पर ये कैश ही है ना क्या चलिए ओके चलिए हाँ अब मैं जाने को तैयार नहीं हूँ मैंने कहा नहीं सर <laughs> <laughs> तो ये सब चल रहा है तो राष्ट्रपति थे उनको उस वक्त इतनी हिंदी नहीं आती थी तो इंग्लिश में उन्होंने मुझसे पूछा ज देर ए प्रॉब्लम यंग मैन मैंने कहा सर दर इज ए बिग प्रॉब्लम ही है अडवाणी जी कहता है आपको बोला ना मैंने कहा सर आप रख लीजिए ये <laughs> आप सात साल के बाद आठ हजार ले लीजिएगा <laughs> मुझे चार दे दीजिए <laughs> <laughs> तो, तो उन्होंने कहा अच्छा कला पाइए शास्त्री भवन वहां देंगे चलिए अब मैंने इतने गुस्से में थे कि मैं श्योर था कि कल कुछ मिलने वाला नहीं डांट के सिवा तो मैंने राष्ट्रपति जी कहा सर ही इज कॉलिंग मी ऑन द स्टेज इज जस्ट यू मी एंड हिम इफ गिव मी कैन आई कॉल यू गुड मैन मिस्टर अडवाणी गुड मैन खैर मैं बहरहाल सुबह गया ग्यारह बजे उनके पास पहली बार मैंने दिल्ली के कॉरिडोर देखे और शास्त्री भवन देखा इतना बड़ा ऑफिस और वुडन टेबल अडवाणी जी बैठे हुए जैसे मैं अंदर आया मुझसे कहा अपने पिताजी को फोन लगाइए हम मैं बहुत चक्का बैठ गया लगाइए पिताजी को फोन और बिल्कुल जैसे वो बोलते है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये भारत का भविष्य देख रहा हूं मैं एक राष्ट्रीय विजेता राष्ट्रपति के सामने विज्ञान भवन में दूरदर्शन पे चल रहा है खड़ा होकर चार हजार रुपए के लिए लड़ रहा ये भारत का भविष्य है लगाइए पिताजी को फोन तो अब मैंने फोन तो ले लिया श्रीनगर का वो नाइन वन नाइन फोर होता था उस वक्त। तो फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा तो आपको पता ही है मेरा <laughs> तो मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा पर गुस्से से आपने ब्रेकफास्ट किया है नाश्ता किया है तो उन्होंने देखा मुझे हाँ क्यों मैंने कहा सर मैंने नहीं किया तो क्यों मैंने कहा यार मैंने बारह सौ रुपये उधारी ली थी राष्ट्र ये नेशनल अवार्ड के लिए नई शर्ट खरीदी थी और पहली बार मैं उन दिनों वो चेयर कार बनी थी एयर कंडीशन पहली बार जिंदगी में मैं एयर कंडीशन चेयर कार में आया था क्योंकि मुझे चार हजार वाले थे हाँ ट्रेन तो थर्ड क्लास में चलते थे वो तो एयर कंडीशन था तो बहुत और बड़े ऐसे आए थे कि पैसे तो मैंने कहा सर मेरे पास ये उधार की कमीज है और मैं जाके क्या कहूंगा वापस उनको कि तुम सात साल के बाद मेरे से इतने ले लेना मैंने कहा आप भाषण छोड़ दिए मेरे चार हजार रुपए दीजिए नहीं तो मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति के पास पहली बात उन्होंने मुझसे कही नाश्ता नहीं किया तुमने तो तब मैंने अडवाणी जी का वो रूप देखा जो मैं बहुत एडमायर करता हूं तो क्या खाओगे मैंने कहा अंडा पराठा खाएंगे <laughs> उन्होंने फोन किया अनबिलीवेबल ही कॉल्ड के ब्रेकफास्ट कराया अब शॉर्ट में संक्षिप्त में आगे सुनाता हूं अंडा पराठे खाए उन्होंने मुझे कुछ साइन करके दिया तो यहां गोल्ड डाक खाने में मेरी जिंदगी की पहली कमाई हुई चार हजार रुपए मिले और उससे फिर मैं आगे बढ़ा, और ये ऑस्कर की कहानी भी इससे कनेक्टेड है कि जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ ना टिकट थी ना वीज़ा था ना पासपोर्ट था तो जा तो सकते नहीं थे विदेश सीधा दिल्ली पहुंच गए अडवाणी जी के वहां दरबार में और वो मंडे को ही था ये एक हफ्ता पहले कोई अनाउंस हुआ था तो मैंने कहा तो अडवाणी जी ने मुझे एयर इंडिया की टिकट दी बीस डॉलर पर डे का भत्ता दिया और वीज़ा तो नहीं दिलवा सके पासपोर्ट उन्होंने छः महीने का विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन दो दिन में दिलवा दिया और फिर वो लेके मैं बंबई पहुंचा वो वीजे की कहानी बहुत लंबी अलग नहीं, है। नहीं, आप बता <laughs> वो जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था व्यक्ति सैटरडे को मैं पहुंचा वहां बंबई के लिए अब मंडे को ऑस्कर है तो सैटरडे को तो बंद होता है वो तो मैं चिल्ला रहा हूं उसको जो वॉचमैन था वो इंग्लिश में बात करे नो नो यू कम मंडे इट्स क्लोज और मैं बोल रहा हूँ यार तू हिंदी में तू कर क्या रहा है इंग्लिश तू कौन है वो हो गया झगड़ा और बहुत जोर से गुस्से में मैं बोलता हूं इतने जोर का झगड़ा हुआ कि एक अमेरिकन उतरा अभी तक मुझे याद है बहुत पतला सा बड़ा प्यारा आदमी था व्हाइट शर्ट पहनी थी वॉट इज गोइंग ऑन आई से सर मंडे तो मुझे देखे के कहता है वॉट यू हैव टू डू विद ऑस्कर मैंने बोला आई एम नॉमिनेटेड उसको लगा पागल है कहता कैन यू प्रूव इट तो मेरे पास पेपर थे सारे मैंने दिखाए मैंने कहा ये देखिए मेरी फोटो गोल्डन पीकॉक मिला ये मिला तो मुझे तो वीजा चाहिए तो टुडे वी सैटरडे। मैंने कहा सर आज नहीं मिलेगा तो मैं तो ऑस्कर पे जा नहीं पाऊंगा ने मुझे बिठाया एक डेढ़ घंटे के बाद तीन महीने का सिंगल एंट्री वीजा मुझे मिला और उस वीजे से और अडवाणी जी की टिकट से मैं ऑस्कर में गया तो ये और लास्ट ला, एक बात मैं कहे बगैर नहीं रुक सकता हूं ऑस्कर में पहनना था कोट बहुत अच्छा कोट वोट पहनते कुछ नहीं था फिर उन्होंने कहा तुम तो भाड़े का वो ले लो वो टस्क हाँ भाड़े का मिलता है भाड़े के लेने के पैसे नहीं थे <laughs> तो उन्होंने कहा ओके यू कैन वेयर योर नेशनल ड्रेस यार तू सौरभ वो फोटो कभी ढूंढना यार मैं कुर्ता पजामा नाइट सूट पहन के ऑस्कर में बैठा <laughs> व्हाइट कलर जो होते खद्दर के तो खैर इसलिए ये कहानी गोइंग बैक टू एम सिंह ये कहानी इसलिए मुझे छू गई क्योंकि वो सारे दृश्य जो मैंने अपनी जिंदगी में जिए थे मुझे नजर आए